दोस्तों अक्सर हम अपनी फोटोग्राफी में एक चीज़ भूल जाते हैं और वो है हमारा ट्राइपॉड। हम बहुत सारा पैसा अपने कैमरा और लेंसेज में लगाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है फोटोग्राफी करने के लिए वो होता है हमारा ट्राइपॉड, जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, एक ट्राइपॉड ना केवल आपकी इमेजेस के अंदर एक एक्स्ट्रा शार्पनेस देता है, बल्कि बहुत सारे उसमें ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपके फोटोशूट को एग्जीक्यूट करने में बहुत काम आते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। दोस्तों तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों दो ट्राइपॉड्स जो कि प्रोफेशनल कैटेगरी के हैं। ये ट्राइपॉड हैं दोस्तों वैनगार्ड के वियो 3 प्लस सीरीज़। तो यहाँ पर एक ट्राइपॉड है हमारा वियो 3 प्लस 263 AB और दूसरा जो हमारा ट्राइपॉड है वो है वियो 3 प्लस 263 CB। दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि जो AB है वो एल्युमिनियम का है और दूसरा है वो है हमारा कार्बन फाइबर का, लेकिन दोनों ही बहुत ही कमाल के हैं, फीचर लोडेड हैं। तो जल्दी से करते हैं इनका अनबॉक्सिंग। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आपको पता चलेगा कि एक ट्राइपॉड की क्या इंपॉर्टेंस होती है फोटोग्राफी के अंदर। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, एक ट्राइपॉड जो है वो एल्युमिनियम का है, दूसरा कार्बन फाइबर का। तो मैं पहले एल्युमिनियम वाला यानी कि 263 AB खोल लेता हूँ वियो 3 प्लस, क्योंकि सेम चीज़ें आती हैं दोनों के अंदर। तो पहले देख लें ताकि थोड़ा समय बचा पाएँ, फिर मैं दूसरा जो है कार्बन फाइबर वाला उसे भी खोल के लगा दूंगा ताकि दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम अच्छे से देख पाएँ। तो यार इसे डिब्बे में से निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं लिखा है वैनगार्ड, और यहाँ अगर मैं इसे फील करूँ इसकी पैडिंग को तो काफ़ी मुझे अच्छी लग रही है। इस तरह से जो है आप इसे लिफ्ट कर सकते हैं, और जब मैंने लिफ्ट किया तो दोस्तों मुझे इसका वेट काफ़ी हल्का लगा, मतलब भारी बिल्कुल नहीं लगा। यहाँ पर जो है आप इस तरह से भी इसे अपने शोल्डर्स के ऊपर कैरी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस केस में क्या क्या आ रहा है, और ये मैंने खोल दिया है इस। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं दोस्तों ब्यूटिफुल का ये ट्राईपॉड है यानी कि वियो 3 प्लस सीरीज़ का। और पहली चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि देखिए आप कितना मुझे साइज़ में काफ़ी स्मॉल लग रहा है ये, और वेट में मुझे बहुत ही हल्का लग रहा है। सो आप देख सकते हैं कि ये एक मैं अपनी सिर्फ एक पाम में देखिए इस तरह से मैंने इसे होल्ड कर लिया है। सो पहली चीज़ मुझे अपील की इसका साइज़ एंड वेट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ईजी टू कैरी है। दूसरी चीज़ मैंने नोट की दोस्तों इसकी जो फिनिश है, अब इसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊँ कि इसमें और क्या क्या आ रहा है ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा कि भाई ये मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूँ कि इसमें और हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो कैरी केस में भैया ट्राईपॉड के अलावा आ रहा है एक यूज़र मैनुअल आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक हमें मिल रही है क्विक रिलीज प्लेट। उसके अलावा देखिए प्लास्टिक में क्या है ये, तो ये है कुछ, यहाँ मैं आपको बता दूँ ये है भैया आप देख पा रहे हो हेक्सागन रेंच टूल, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और ये आप देख पा रहे हो दोस्तों ये है स्पाइक्ड फीट फॉर एडिट स्टेबिलिटी। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ कुछ देखिए, ये एक और कुछ है बैग में, क्या है ये इसे भी देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों वियो प्लस MA1 मल्टी माउंट अडेप्टर। तो देखेंगे भैया ये कैसे इस्तेमाल होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब मैंने निकाल लिया दूसरा वाला ट्राईपॉड भी, यानी कि वियो 3 प्लस 263 CB कार्बन फाइबर वाला, देखते हैं कि ये कैसा है। वैसे तो दोनों ट्राईपॉड सेम ही है दोस्तों, लेकिन पहले मैं इसे बाहर निकाल लूँ। सो नाउ यू कैन सी दोस्तों ये ट्राईपॉड सेम, सब कुछ सेम ही है इसका, बट एक कमाल की फीलिंग आई है दोस्तों। ये जो ये वाला ट्राईपॉड था हमारा, इससे भी जो है काफ़ी लाइट वेट है दोस्तों। और अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों को तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों सब कुछ आइडेंटिकल है, एकदम सेम है, बट मटेरियल का फ़र्क है और वेट का फ़र्क है। जब मैं हाथ में उठा रहा हूँ दोस्तों तो ये कार्बन फाइबर वाला है, ये मुझे बहुत ही हल्का मालूम पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो वेट है ये है 2.1 kg का, और इसका जो वेट है ये है 2.4 kg का। और मेजर जो फ़र्क है दोनों में वो है इसकी क्वालिटी का, यानी कि जो मटेरियल क्वालिटी है। तो ये कार्बन फाइबर है, इसमें यूज़ किया है मटेरियल, और इसमें एल्युमिनियम अलॉय। पहले मैं इसे रख लेता हूँ ज़रा नीचे दोनों कैरी केस को, और अब जो है दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा ये दोनों सामने इस तरह से रख के। तो दोस्तों पर्सनली अगर एक नज़र डालें इस पर तो मेरी जो फीलिंग है वो ये कि दोनों ही जो है एक तो एक प्रोफेशनल लेवल के ट्राईपॉड्स हैं, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर फिनिश की बात करें दोस्तों तो इसकी फिनिश यानी कि कार्बन वाला जो है यानी कि वियो 3 प्लस CB जो है 263 CB, इसकी मुझे फिनिश अगर आप मैं थोड़ा सा आपको क्लोज दिखाता हूँ, ये देखिए ये आप देख पा रहे हो ये है अपना कार्बन वाला वियो 3 प्लस 263 CB। इसकी जो फिनिश है
ये मुझे बहुत ही पर्सनली पसंद आई है। हालांकि जो एल्युमिनियम अलॉय वाला है इसकी फिनिश भी बहुत अच्छी है, कम नहीं है, बट मैं जो मुझे पर्सनली कार्बन वाले की फिनिश थोड़ी ज़्यादा बेटर लगी। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही रॉक सॉलिड है दोस्तों। जब मैं आप इसे पकड़ते हो दोनों ट्राईपॉड्स को, तो आपको लगता है कि यार आपने एक प्रीमियम ट्राईपॉड को जो है होल्ड किया हुआ है। और बात करें इसके डिज़ाइन की, तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि पूरा ब्लैक कलर है और ऊपर आप देख पा रहे हो इस तरह से सिल्वर, और यहाँ पे लिवर पे जो रेड कलर है इसको बहुत ही क्लासी और बहुत ही एक स्टाइलिश बनाता है। और आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ बात है इस प्रोडक्ट के अंदर दोस्तों। तो मैं फ़िलहाल बहुत इंप्रेस हुआ हूँ इसको अभी अनपैक करने के बाद। अब बात करते हैं इसके फ़ीचर्स की। पहला फीचर जो मुझे वीओ 3 प्लस 263 CB यानी कि कार्बन वाले में लगा वो इसके लेग्स का, देखिए कितनी आसानी से बहुत ही खुल जाते हैं। एक नॉब है, आपको बिल्कुल ऐसे नॉब जैसा घुमाना है, और ये देखिए लेग ओपन हो गया। यहाँ से आपको नॉब को इस तरह से घुमाना है और ये आपका लेग लॉक हो गया। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सिमिलरली वीओ 3 प्लस 263 AB यानी कि अलॉय का जो हमारा एल्युमिनियम का है, उसमें भी सेम यही फीचर है। इस तरह से आपको लेग को घुमाना है, देखिए ओपन हो गया, और यहाँ से आपको वापस नॉब को घुमाना है और ये आपका लेग लॉक हो गया। दोस्तों एक फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा, आप यहाँ देख पा रहे हैं तीनों लेग्स में इस तरह के बटन है सिल्वर कलर के, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक सिल्वर लिवर है, देखिए इस तरह से तीनों लेग्स में। अब इसकी जो खास बात मुझे लगी कि अगर आपको लेग्स को स्प्रेड करना है तो यू हैव टू जस्ट प्रेस दिस बटन, और बस यहाँ से आपको लिवर पे ये देखिए ऐसे, एंड देन यू हैव टू जस्ट आप स्प्रेड कर सकते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से जितना आपको स्प्रेड करना है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब हम काफ़ी बार अपने ट्राईपॉड को यूज़ करते हैं कुछ सालों के बाद में, तो कई बार ये जो है ये लूज़ हो जाता है, थोड़ा सा लेग्स ऐसे लूज़ हो जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको, इन्होंने हेक्सागन का आपका जो है रेंच टूल दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सीधा यहाँ जाना है इस तरह से, और इसको स्क्रू को यहाँ से टाइट कर देना है इस रेंच टूल से, और आपके जो लेग्स हैं बिल्कुल नए हो जाएंगे। फिलहाल तो ये बिल्कुल नया है, 2-3 साल कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन कभी 3-4 साल 5 साल के बाद कभी प्रॉब्लम आई तो आपके पास ये टूल है ही। दोस्तों यहाँ मैंने लगा लिया क्विक रिलीज प्लेट, और ध्यान रखिए कि वैनगार्ड जहाँ लिखा है वो पोर्शन सामने होना चाहिए। अब आपको कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है, सीधा आपको यहाँ पर इस तरह से इसको फिक्स कर देना है, और यहाँ से जो है स्क्रू को कर दिया हमने टाइट। एक चीज़ बता दूँ मैं दोस्तों आपको कि आप दोनों कैमरा देख पा रहे हैं, हमने इस पर लगा दिए हैं, और ये दोनों ट्राईपॉड जो है 15 kg का पे लोड ले सकते हैं। तो अगर आपके पास लॉन्ग लेंसेज हैं, बड़े जूम लेंसेज जैसे 200mm के 400mm के, तो आसानी से आपकी DSLR बॉडी और उसका वेट वो आसानी से ले पाएंगे। दोस्तों एक कमाल का फीचर मुझे इस ट्राईपॉड में लगा, आपको यहाँ से स्क्रू को जो है थोड़ा सा देखिए लूज़ करना है, और इसको हम सीधा लेंगे इस तरह से पूरा हाइट पर देखिए, और ये आप लिवर देख पा रहे हैं, इसको हल्का सा यहाँ से रेड बटन को प्रेस करके, और ये लिवर को जो है आपको इस तरह से ये देखिए यहाँ पर करना है, और देखिए आप पूरा जो आपका कैमरा है ये इस डायरेक्शन में आ गया। और देखिए अब यहाँ पर मैं आपको कमाल की बात बताऊँ दोस्तों, यहाँ से हमने इसे कर लिया टाइट, और लिवर को भी जो हमने कर लिया बंद। तो अब आप देख पा रहे हैं कि अगर हमें इस तरह से कोई भी मान लीजिए प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी है, देख रही है आप नीचे प्रोडक्ट है हमारा इस तरह से, तो हम आसानी से पूरा शॉट ले पाएंगे। सो ये एक प्रोफेशनल ट्राईपॉड के अंदर एक खूबियाँ होती हैं, इतने सारे फीचर होते हैं। अब मान लीजिए आपको स्लो शटर स्पीड पे शूट करना है, या आपको मैनुअल फोकसिंग करनी है, तो आप देख रहे हैं कितने अच्छी तरीके से हमारा जो है कैमरा इस वक्त यहाँ पर फिट हो गया है इसके ऊपर। अब कई बार क्या होता है दोस्तों कि जब हम इस तरह से प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हैं और हमको कई बार थोड़ा सा आगे लेना पड़ता है अपने एंगल्स को सेट करने के लिए, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सारा जो वेट है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि इस तरह से जो है वेट कई बार इधर इस साइड आ जाता है, जिससे कि कैमरा आपके गिरने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा फीचर दिया है, ये मैं आपको दिखा नहीं पाया जब अनबॉक्सिंग करा था, पता नहीं अंदर कहीं रह गया था। तो आपको ये देखिए इस तरह से स्क्रू के अंदर आपको यहाँ पर ये होल में डालना है और इसको टाइट करना है, और ये देखिए इस तरह से बाहर आ जाता है। तो मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ से लेग्स को पकड़ लेता हूँ, और ये देखिए, और यहाँ पर जो है ये काउंटर वेट है, ये आपको अलग से लेना पड़ेगा। ये इस तरह से जो है काउंटर वेट आपके लग जाता है, और अब आप देख रहे हैं देखिए इस तरह से लग गया काउंटर वेट। नाउ आपका कैमरा जो है कम्प्लीटली
बैलेंस्ड है, अगर आपने थोड़ा आगे भी ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये फीचर बहुत ही कमाल का लगा, इससे आपको जो एक पीस ऑफ माइंड, आपका प्रोडक्ट एकदम सेफ और सिक्योर्ड है। कई बार क्या होता है दोस्तों, जब हम आउटडोर में फोटोशूट कर रहे होते हैं और हम हैवी लेंसेज यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 200 mm या 400 mm या 300 mm के लेंसेज जो कि यहाँ से काफ़ी भारी होते हैं, तो कई बार जो है आपका ट्राइपॉड थोड़ा सा स्टेबल नहीं रह पाता। कारण होता है कि चाहे तेज़ हवा चलनी हो, चाहे अनइवन सरफेस हो, कई काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं। तो वहाँ पर भी ये आप देख पा रहे हो, ये हल्का सा वही स्क्रूज वाली चीज़ है, हमने फटाक से जो है घुमा के यहाँ ये देखिए लग गया, और बस इस तरह से जो है वापस यहाँ पे हमने काउंटर वेट जो है लटका दिया। अब इससे क्या होता है कि आपके ट्राइपॉड को एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी मिलती है, इवन अनइवन सरफेस या विंडी कंडीशंस में। दोस्तों एक फीचर इसका बहुत ही कमाल का लगा, सीधा देखिए आपको इस तरह से लिफ्ट करना है, और यहाँ जब आने के बाद देखिए यहाँ पर एक आपको छोटा सा ये गोल्डन जैसा आपको बटन दिखाई दे रहा है, यू हैव टू जस्ट प्रेस दिस बटन, ये देखिए, और ये आपका पूरा बाहर आ गया। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों, वो ये कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका एक, ये देखिए एक लेग, जब आप इसको घुमाते हैं तो इसका एक लेग इस तरह से भी बाहर आ जाता है। तो मैं इसे फ़िलहाल थोड़ा नीचे रखता हूँ, और अब हम देखेंगे दोस्तों इसका एक बेनिफिट। अभी जो टांग इसकी बाहर आई है भैया, इसको बहुत आसानी से आप जो है इस तरह से लगा दीजिए। तो अब ये दोस्तों आपका बन गया, देखिए इस तरह से, थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, ये आपका बन गया है दोस्तों मोनोपॉड। और कई जगह क्या होता है देखिए, इस तरह से आप इसे होल्ड कर सकते हैं शूट के लिए। अब कई जगह पे क्या होता है, कई वेडिंग्स में थोड़ा क्राउड होता है, या कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर जो है ट्राईपॉड को यूज़ करना बहुत मुश्किल है, तो वहाँ पर आपका ये ही ट्राईपॉड जो है एक तरह से मोनोपॉड का काम करता है। और आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से जो है हमने एक ट्राईपॉड को मोनोपॉड के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब बात करते हैं अगले फीचर की, लेकिन उसके पहले मैं करता हूँ ट्राईपॉड चेंज। हालांकि दोनों ट्राईपॉड के फीचर सेम ही है, लेकिन अभी तक मैं जिस पे डेमो दिखा रहा था वो था अपना एल्युमिनियम मटेरियल का वीओ 3 प्लस 263 AB, और अब जो मैं आगे का डेमो दिखाने वाला हूँ दोस्तों वो है हमारा कार्बन मटेरियल वाला, यानी कि वीओ 3 प्लस 263 CB। अब दोस्तों जो अगला फीचर है वो भी बहुत ही कमाल का है, आपको कुछ नहीं करना है, देखिए इस तरह से बिल्कुल आपको ऊपर लेके जाना है, यहाँ से जो है लीवर को हमें ओपन करना है, और उसके बाद आप देख रहे हैं ये सीधा सीधा हमारा 180 डिग्री के ऊपर हमारा कैमरा आ गया है। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको टाइट करूँगा अभी इस तरह से, और इसे हम करेंगे फ़िलहाल लॉक। तो आप देख रहे हैं कि अब हमारा एक कैमरा तो हम इसको यहाँ लगा सकते हैं। अब रोल आता है दोस्तों, ये हमारा जो है MA1 माउंट अडेप्टर, आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए माउंट अडेप्टर। अब यहाँ पर हमको इस माउंट अडेप्टर को इस तरह से लगा देना है, तो बहुत ही आसान है दोस्तों, और यहाँ से लॉक करना है। अब सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि यहाँ पर आप ना केवल एक कैमरा बल्कि आप दो कैमरा के साथ भी शूट कर सकते हैं, तो मैं दूसरा कैमरा भी लगा देता हूँ। तो ये लग गया हमारा दोस्तों जल्दी से दूसरा कैमरा। सो नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स, इट्स वेरी इजी, ये देखिए। तो अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे दो कैमरा एक ही इसके ऊपर लग गए हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है 105 mm का मैक्रो लेंस, और यहाँ पर लगाया 24-120 mm का निकॉन का लेंस, जो कि दोनों ही लेंस काफ़ी हैवी हैं, दोनों ही DSLR बॉडी हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया करीब 15 kg का ये पेलोड ले लेता है, तो अगर आपके पास में मान लीजिए 200 mm का लेंस भी या 300 mm का लेंस भी है तो भी आप आसानी से इस तरह से आप लगा पाएंगे। तो ये फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आप देख रहे हो कितना स्टेबल है, कितना रॉबस्ट है और कितना स्टर्डी है ये ट्राईपॉड। तो इसकी जो क्वालिटी है, इसका जो फिनिश है, वो मुझे दोस्तों बहुत ही कमाल का लगा। और सबसे अच्छी बात लगी, इतने सारे इसमें मल्टी फीचर मिल रहे हैं। मान लीजिए आपके पास में एक ही कैमरा है, तो आप इस जगह पे कैमरा की जगह जो है हम एक कोई और प्रोडक्ट, यानी कि कोई लाइट या मॉनिटर है, मॉनिटर मेरे पास नहीं है वरना मैं आपको मॉनिटर भी लगा के दिखाता, मॉनिटर भी आप लगा सकते हो। और फिलहाल मेरे पास में एक लाइट है तो मैं आपको ये लगा के दिखा देता हूँ, ये लाइट भी जो है दोस्तों ये देखिए यहाँ पर, हाँ देखिए एक हमने इस तरह से एक्सटर्नल लाइट लगा ली। सो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो ट्राईपॉड है, ये ना केवल आपकी ट्राईपॉड, कोई भी ट्राईपॉड है वो हमेशा आपको एक हेल्प ही करता है, चाहे आप एक मैक्रो फोटोग्राफी करते हो या आप लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हो या आप फैशन फोटोग्राफी करते हो, हमेशा आपको पिक्चर्स जो हैं बहुत ही एक्स्ट्रा शार्प मिलती हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो मल्टीपर्पज़ है ये ट्राईपॉड, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपको आज मैंने आपको दिखाए हैं दो ट्राईपॉड, तो यहाँ पर आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ
VO3+ AB और CB, तो इसमें आप कंफ्यूज मत हुई है, बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि जब आप दुकान में जाएंगे तो हो सकता है आप कोई गलत मॉडल ना ले। तो यहाँ पर जो है CB से मतलब है कार्बन बॉल हेड, तो देख रहे हैं ये जो अभी ट्राईपॉड रखा हुआ है दिस इज़ अ कार्बन बॉल हेड, यानी कि ये कार्बन वाला बॉडी मटेरियल वाला ट्राईपॉड है। और जो दूसरा पीछे आप देख पा रहे हैं ये हमारा VO3+ 263 AB, AB से मतलब है एल्युमिनियम बॉल हेड। तो दो मटेरियल आते हैं, एक एल्युमिनियम आता है और एक कार्बन का आता है, और यहाँ पर हमने उसको जो है डिफरेंशिएट किया है AB से और CB से, बाकी मॉडल नंबर सेम ही है, यानी कि VO3+ 263। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। अब आपको ये दोनों ट्राईपॉड कैसे लगे, आपको इनके फीचर अच्छे लगे या नहीं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके जवाब का रहेगा मुझे इंतज़ार। और जैसा भी आपको मेरा रिव्यू लगा हो उस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिए। उम्मीद है आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा, फ्री है चैनल यार, सब्सक्राइब का बटन तो दबा दिया करो, अच्छा लगता है। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।